हेलो गाइस, आई एम गायत्री। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं जूट रोप बास्केट। तो इसे एज आप प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं इंडोर प्लांटर्स के लिए, और एज अ बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं टॉयज और या कुछ भी आपका सामान रखने के लिए। मैं कब से सोच रही थी कि मेरे इंडोर प्लांट्स के लिए मुझे इस तरह का जूट रोप बास्केट चाहिए था। मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया, लेकिन सोचा कि क्यों ना हम इसे DIY करके बनाएं। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर इट विथ यू। सो जूट रोप से आप बहुत सारे DIYs कर सकते हैं, और मैंने बहुत सारे पहले भी DIYs किए हुए हैं। तो मैं आज के वीडियो में वो आपसे शेयर करूंगी, तो प्लीज लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो। जो भी पॉट के लिए, इंडोर प्लांट के लिए हमें रूट प्लांटर बास्केट बनाना है, उसके हिसाब से हम साइज सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पॉट लिया है, उसका प्लेट के हिसाब से मैं अपने जूट रोप का बास्केट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पर जो प्लेट ली है उसके 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के मैंने यहाँ पर आउटलाइन करके एक कार्डबोर्ड का पीस सर्कल कट करके लिया है, और उसके अकॉर्डिंग उसके अराउंड हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो भी कार्डबोर्ड से बनाएंगे। तो कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है और उसको इस तरह से फोल्ड किया है, उसको सर्कुलर शेप देने में आसानी है। तो जो भी साइज का हमें चाहिए उसके हिसाब से हम वो कट कर लेंगे। एक बार एक प्लांटर के अराउंड चेक कर लेंगे कि वो साइज ओके है कि बाद में नीचे की तरफ जहाँ पर फोल्ड्स है वहाँ पर हम कट्स लगाएंगे, क्योंकि वो हमें इजीली फोल्ड करके एक साइड क्लोज करेंगे। अब जो सर्कल कट किया था हमने, वो हम इसे पेरिफेरी में स्टिक कर देंगे विद द हेल्प ऑफ वाइट ग्लू। वाइट ग्लू सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो ठीक से उसको स्टिक कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर हॉट ग्लू गन भी यूज कर सकते हैं। लास्ट में दो जो एंड्स है उसको भी ग्लू की हेल्प से आप स्टिक कर दे और ड्राई होने के लिए छोड़ दे। यहाँ पर मैंने दो क्लिप्स ऐड कर दिए हैं। अब जो हमने फोल्ड्स कट किए थे बॉटम में, तो वो हम स्टिक कर देंगे और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, और थोड़ा सा वेट ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर उसके ऊपर पॉट रख दिया है। सूख जाने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये इस तरह का बेस स्ट्रक्चर आप किसी भी पॉट के लिए रेडी कर सकते हो, उसके ऊपर जूट रोप से आप जो भी मनपसंद डिजाइन बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर सिंपल मैं दो जूट रोप लेके उसको ट्विस्ट करके यहाँ पर यूज करूंगी। जब भी आप ये इस ट्विस्ट करके बहुत ही अच्छा पैटर्न उसके ऊपर आता है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो सिंपली फेविकॉल की हेल्प से दो जूट रोप को ट्विस्ट करके इस तरह से आपको वो स्ट्रक्चर के ऊपर स्टिक करते जाना है। आप सिंगल जूट रोप भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ही सिंपल और प्लेन पैटर्न मिलेगा आपको। यहाँ पर मुझे थोड़ा डिफरेंट पैटर्न चाहिए था, इसलिए मैंने इस तरह से उसको ट्विस्ट करके यूज किया है। अब यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ 2 इंच का गैप छोड़ के वैसे ही उसको कंप्लीट कर दिया, और यहाँ पर मैं एक व्हाइट कलर का कपड़ा लूंगी, उसको मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी जैसे कि वो फ्लिप करने के बाद वो अंदर की तरफ चला जाए। तो यहाँ पर उसको स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी हॉट ग्लू गन। ये ऑप्शनल है, आप पूरी तरीके से उसको जूट रोप से रैप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा दिखता है जब कॉन्ट्रास्टिंग कलर, 2 कलर आप बास्केट को यूज करते हैं, तो बहुत ही अच्छा और वो लुक देता है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। ये अंदर की तरफ फ्लिप करने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब आप इसमें कौन सा भी पॉट डाल कर रख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा डिजाइन है बास्केट का। और आप यहाँ पर कौन सा भी सामान रख के भी उसको यूज कर सकते हैं, एज ए स्टोरेज यूनिट भी यूज कर सकते हैं। ये साइज परफेक्ट है मेरे बेबी के टॉयज रखने के लिए, तो वो भी आप इसे एज अ टॉयज बास्केट भी यूज कर सकते हैं।
सो अगेन मैंने एक और एक डिजाइन बनाया है। यहाँ पर मैंने दो रोप्स यूज किए, एक कॉटन व्हाइट रोप और जूट रोप। यहाँ पर जो भी जूट रोप है वो 3 स्ट्रैंड ब्रेड मैंने इसको यूज किया है। आपको ये 3 स्ट्रैंड ब्रेड अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन भी। जूट रोप और इस तरह के ब्रेडेड जूट रोप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक कीजिए। जो भी मटेरियल का यूज किया है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज वहां पर आप मटेरियल की लिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से आप बास्केट नहीं बनाना चाहते लेकिन छोटे छोटे पॉट्स में अगर आपने प्लांट्स लगाए तो उसको भी आप जूट रोप से डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मनी प्लांट लगाया था एक थाउजेंड थ्रो वाले पॉट में, तो उसको मैं डेकोरेट करूंगी विद द हेल्प ऑफ जूट रोप। तो सिंपली यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गन की हेल्प से जूट रोप को रैप करते जाऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ा ही पोर्शन में व्रैप करूंगी और नीचे की तरफ मैं यहाँ पर डिजाइन बनाऊंगी जूट रोप की हेल्प से ही। तो यहाँ पर मैंने इस तरह के छोटे छोटे सर्कल्स जूट रोप के बनाए और वो यहाँ पर स्टिक कर दिए हॉट ग्लू गन की हेल्प से, और वो जो भी पैटर्न्स बनाएंगे वो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का पैटर्न चूज किया है। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है जूट रोप से, अगर आपको वो देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप कौन से और नए कौन से जूट रोप के DIYs देखना चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, इफ इन केस अगर आप ये DIY ट्राई करते हैं तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिए, आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, सो यू विल बी नोटिफाइंग फॉर माई न्यू वीडियोज। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।